हैशटैग बच्चन बांटेगी मौज के 1 मिलियन व्यूज की डिमांड पूरी। अक्षय कुमार ने गायब हुए मौज क्रिएटर्स को किया रिलीज। साथियों नमस्कार, गुड रिटर्न हिंदी और वन इंडिया हिंदी के फेसबुक पेज से लाइव होकर मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। मेरा नाम विनय कुमार मिश्रा है। हम लोग यहां रोज मिलते हैं और निवेश से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा करते हैं। 31 मार्च आ रहा है और इनकम टैक्स अगर बचाने के लिए किसी को निवेश करना है तो उसके लिए अंतिम मौका ही यही है, यानी 31 मार्च 2022 तक। 31 मार्च 2022 तक आप जो भी निवेश करेंगे वो चालू वित्तीय वर्ष के लिए माना जाएगा, यानी इस पूरे साल में आपकी जो इनकम होगी और उससे बचाने के लिए जो आप जमा करेंगे उसकी छूट आप बाद में ले पाएंगे, जो कि आपको जुलाई 2022 में जब आप अपना रिटर्न भरेंगे तो उस वक्त ये छूट आप क्लेम कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग प्लानिंग के साथ निवेश करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग रह जाते हैं जो किसी कारणवश या थोड़ा सा उनकी लापरवाही हो जाती है और वो इनकम टैक्स बचाने के बारे में नहीं सोच पाते हैं। ऐसे लोग फिर हड़बड़ी करते हैं मार्च में और कहीं ना कहीं गलत निवेश कर देते हैं। तो मेरा मानना है कि अभी जैसे 10-15 दिन जो बचे हुए हैं इस पूरे महीने में, अगर इसमें वो सही फैसले करते हैं तो उनकी हड़बड़ी भी एक अच्छा निवेश बन सकती है। इसलिए आज मैं आपसे ELSS पर चर्चा करने जा रहा हूँ। ELSS जो होता है वो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स होती हैं, यानी म्यूचुअल फंड की ये खास प्रकार की स्कीम होती हैं और यहाँ पर अगर कोई निवेश करता है तो उसको ATC के तहत ही छूट प्राप्त होती है। ATC में आपको पता होगा PF भी आता है, बीमा भी आता है, PPF भी आते हैं, NSC भी आती है, इस तरह के जो भी हैं बच्चों की ट्यूशन फीस भी आती है, तो इस तरह के जो भी निवेश हैं इसी तरह का निवेश म्यूचुअल फंड में भी माना जाता है, लेकिन वो खास कैटेगरी में अगर किसी ने किया हो, और वो खास कैटेगरी है ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। यहाँ पर जब आप पैसा जमा करते हैं तो यहाँ 3 साल के लिए वो लॉक इन रहता है। यहाँ पर आप एक बात और भी ध्यान रखिए कि आप SIP के थ्रू भी निवेश कर सकते हैं, यानी अगर आप मान लीजिए 1.5-1.5 लाख रुपए अधिकतम होता है, मान लीजिए आपका 30,000 किसी तरह जमा हो चुका है, 1,20,000 बचा है, तो कोई अगर 1 अप्रैल से 10,000 की SIP करना चाहे तो उसकी SIP भी कर सकता है। साल में 1,20,000 रुपये उसका चला जाएगा और उसको इनकम टैक्स में पूरे 1,20,000 की छूट वो क्लेम कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो 3 साल का नियम है उसको समझ लीजिए, क्योंकि आमतौर पर लोगों को लगता है कि 3 साल में जब वो उनका लगातार जमा करेंगे जब आप SIP तो पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं होता है। आप जो भी किस्त जमा करेंगे, यानी जो भी आपकी SIP जाएगी, वो जिस दिन जाएगी उसके 3 साल बाद यानी 36 महीने बाद उसको आप निकाल सकेंगे। इसको आप इस तरह समझिए, मान लीजिए किसी ने अप्रैल 2022 में शुरू किया लगाना पैसा, तो अप्रैल 22 वाली SIP अगर शुरू करिए किसी ने पूरे फाइनेंस, मान लीजिए उसको 3 साल के लिए करना है, तो अप्रैल से जो शुरू होगी अप्रैल 22 से 2023, 2024, 2025 में उसकी पूरी हो जाएगी। तो जब 2025 का अप्रैल के बाद मई आएगा तब वो पहला वाला पैसा निकाल सकेगा और सिर्फ एक ही किस्त निकाल सकेगा जो पहली वाले में गया होगा। अगले महीने चाहे तो फिर जो अप्रैल में गई होगी उसको निकाल सकेगा। हालांकि जब कोई एकमुश्त निवेश करता है यानी एक बार में, तो वो जिस दिन निवेश करेगा उसके 36 महीने बाद यानी 3 साल के बाद वो निकाल सकता है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि ये जो लॉक इन पीरियड है ये हर इनकम टैक्स बचाने वाले जो भी जितने भी प्रोडक्ट है सब में है। जैसे PPF में 15 साल का है, NSC में 5 साल का है, इसी तरह इंश्योरेंस में जब तक इंश्योरेंस चलेगा तब तक का है। तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो सबसे छोटा लॉकिंग पीरियड ELSS यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स का ही है, जो म्यूचुअल फंड बचाने के लिए सबसे बढ़िया माध्यम माना जाता है। और यहाँ पर आपको जब पैसा आपका इक्विटी में जाएगा, शेयर बाजार में जाएगा, तो और 3 साल तक आपका लॉक इन रहेगा, यानी 3 साल तक आप नहीं निकालेंगे। तो 3 साल म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छे तो नहीं है, अच्छे तो 5 से 10 साल होते हैं, लेकिन 3 साल में भी रीजनेबल रिटर्न आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। हालांकि पिछले दिनों शेयर बाजार बहुत अच्छा चला है पिछले 1-2 सालों में, इसलिए कई लोगों का पैसा या कई स्कीम्स ने 3 साल में पैसा दोगुना भी कर दिया है, लेकिन ऐसी अपेक्षा रखना ठीक नहीं है। हाँ, अगर बाकी जहाँ भी जितने भी रिटर्न आपको मिल रहा है, यानी PPF में अगर कोई ब्याज मिल रहा है या NSC पे आपको कोई ब्याज मिल रहा है, और उससे ज़्यादा रिटर्न अगर आपको ELSS स्कीम में मिल जाता तो मुझे लग रहा है वो आपको रीजनेबल मानना चाहिए और इनकम टैक्स से बचाने वाले ये जो एक साधन है इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये था कि आपको ये बताना कि एक इनकम टैक्स बचाने का ये भी जरिया होता है, जहाँ पर लॉक इन सबसे कम होता है, इक्विटी में निवेश का यहाँ पर आपको लाभ भी मिल जाता है, और यहाँ आप चाहें तो हर महीने जमा करना यानी SIP की तरह का इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, आप एकमुश्त निवेश भी कर सकते हैं। ELSS स्कीम में एक और अच्छा फायदा होता है, मान लीजिए 3 साल का लॉक इन खत्म हो गया, उसके बाद आप उस पैसे को नहीं निकाल रहे, तो फिर आप जब तक चाहें उसको पड़ा रहने दें और जिस दिन चाहें निकाल सकते हैं, यानी फिर कोई लॉक इन की सीमा आपकी नहीं रहेगी।
हालांकि अगर आप पीपीएफ में देखेंगे तो इस तरह की सुविधा ये और भी किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं मिलती। वहां जैसे पीपीएफ है, 15 साल जब पूरा हो जाएगा तो या तो आपको पैसा निकालना पड़ेगा या 5 साल के लिए मिनिमम बढ़ाना पड़ेगा, तो वहाँ 5 साल की बाध्यता हो जाती है। हालांकि ईएलएसएस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, यानी 36 महीने पूरे हो गए, अब आप एलिजिबल हैं चाहे जब पैसा निकालें अपना, या उसको जब तक चाहे आप उसको 10 साल चाहे पड़ा रहने दो, 10 साल बाद जिस दिन मन करे आप निकाल लें। तो ईएलएसएस में निवेश के ढेर सारे फायदे भी हैं। हाँ, थोड़ा सा रिस्क जरूर है क्योंकि ये पैसा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, तो उतना रिस्क सबको समझना पड़ेगा और इसी के बाद लोग अपना फैसला करें तो बेहतर रहेगा। हालांकि ये कि बहुत अच्छा तरीका है, बहुत तेजी से यहाँ निवेश बढ़ रहा है, तो लोगों को ये पता होना चाहिए। मैंने सिर्फ इसी उद्देश्य से आज आपके साथ इस विषय पर चर्चा करी है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको ठीक लगी होगी। कल आप मेरे साथ फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।